जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दीदी तो कहाँ रह गई थी? भाभी वो प्रेग्नेंट, वो उनको छुपाने ऋषि का है। जीजू नहीं है, ऋषि यही तो था वो। आराम से चलो, आराम से, जल्दी 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 जल्दी, ए चल 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 पीछे जो। ओके 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 ओके, पीछे साहब पीछे, तुम सब चलो। हाँ पीछे लाइन में, ए भाई सिल्ली 10 मिनट में आ रही है। मेरा खेल बिगाड़ेगा तू, हाँ भागने की कोशिश करेगा तू यहाँ से? ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। लक्ष्मी तुम जहां कहीं भी हो चुपचाप वापस आ जाओ, वरना तुम्हारा ये ऋषि अपनी जान से जाएगा। नहीं। और बाकी सब भी कान खोल के सुन लो, किसी ने यहां से भागने की कोशिश की तो यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं लक्ष्मी, वापस आ जाओ वरना मैं इस ऋषि को गोली मार दूंगा। ऋषि यहां क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। एक बार पता चल जाए कितने टेररिस्ट हैं, उसके बाद हम अपना प्लान बना सकते हैं। कितने आतंकवादी हैं और कहां कहां छुपे हुए हैं ये सब पता करना है। क्या हुआ? कोई नहीं है। मुझे लगा कोई था। मिशन में पहली बार आया है ना, इसीलिए होता है, पसीने छूटते हैं। चल कोई नहीं है। मैं अभी जाके पकड़ दूं तीनों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, कोई जल्दबाजी नहीं, खून तो मेरा भी खोल रहा है। हम लोग पुलिस वाले होकर छुप रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इन्हें पकड़ना नहीं है, सारे आतंकवादियों को पकड़ना है। इनके कब्जे में जो लोग हैं उन्हें छुड़ाना है, लेकिन ये आसान नहीं होगा जहाँ पर आतंकवादियों का बड़ा गैंग है। और ये बात हमें आगे भी बतानी पड़ेगी। गामा शिशु कंट्रोल, खैरियत नहीं है सर, आतंकवादी घुस आए। धोखा हो गया मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा, लेकिन मुझसे बड़ा धोखा तो तेरे साथ हुआ है। मुझे लगा था लक्ष्मी तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन नहीं, मैं गलत था, तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैंने कहा था उसे कि वापस आ जा वरना मैं इस ऋषि को मार दूंगा, लेकिन वो नहीं आई। गलत समझा मैंने, गलत समझा मैंने तुझे भी और तेरी लक्ष्मी को भी। गलत इंसान कभी सही समझ नहीं सकता मनीष, क्योंकि लक्ष्मी को समझने के लिए दिल दिमाग साफ और अच्छा होना चाहिए, कि तेरे में तो इंसानियत ही नहीं है। ए तेरी तो, देखा था जब मेरी मॉम जमीन पे थी उन्हें बचाने के लिए लक्ष्मी कैसे आ गई। जानती थी कि गन तेरे पास है, उसकी जान जा सकती है, मर सकती है वो, लेकिन उसने केयर की नहीं। ये है लक्ष्मी, खुद की जान की परवाह किए बिना वो अपने परिवार के लिए लड़ जाती है। अच्छा कहा है वो, यहां क्यों नहीं आई? हाँ भगवान का शुक्रिया अदा कर कि लक्ष्मी यहां पे अभी तक आई नहीं, क्योंकि अगर वो यहां पे आ गई ना तो तुम सबका दी एंड हो जाएगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा, और वो यहां पे आएगी ना तो तूफान लेकर आएगी। तूफान डर गया मैं, बहुत फिल्मी डायलॉग बोलता है ना तू। हाँ गन मेरे हाथ में है, निशाने पे तू है, फिर भी इतनी हिम्मत? कोई और होता ना तब की गोली चला चुका होता मैं, लेकिन अभी नहीं, अब तो तूफान का इंतजार करना ही पड़ेगा। मोनिश अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। मैंने कहा था इसकी बीवी की बातें सुन के सबके मुंह खुलेंगे। जज वहां से मेरी बात सुन, ये तेरी अदालत नहीं है, यहाँ का जज मैं हूँ,
जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा, और उसके आगे अगर एक शब्द भी कहा ना तो तू जान से जाएगा, सजाए मौत अभी इसी वक्त। वेरी नाइस, अच्छे फिल्मी डायलॉग मार लेता है तू भी। अब फिल्में देखता है तो ये भी पता ही होगा कि फिल्मों में एंड में हमेशा हीरो जीतता है और विलेन मरता है, और आज यहाँ भी यही होगा, तू मरेगा अभी इसी वक्त। आप जानते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी। अच्छा लुके मेरे भाभी, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हम यहाँ रुकते हैं, कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, ऋषि भाई कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मुझे फिक्र नहीं है ऋषि भाई। आयुष मेरा दिल नहीं मान रहा है, ऋषि अंदर अकेला है, वो सब लोग हैं वहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज समझो, प्लीज भाभी सर। आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग सेफ है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलिए यहाँ से, वो रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं, जाइए वहाँ से। नहीं नहीं प्लीज, एक मिनट, वो अंदर अंदर और भी लोग फंसे हुए, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलिए आप। देखिए किसी को कुछ नहीं होगा, हम लोग जान लगा देंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जो बच सकता है वो तो बच जाए। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, चलो चलते वॉकिंग करते हैं। शालू वाली चलो। अरे चलो ना वॉकिंग करते। नहीं जा सकते, बाहर जो टेररिस्ट है उन्होंने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया होगा, अगर ये लोग गए तो जान को खतरा है। फिलहाल आप लोग अंदर जाइए, हमने मदद के लिए मैसेज भेज दिया है, फोर्स आती होगी, थोड़ा समय निकालना है, तब तक आप लोग खुद को छुपाइए प्लीज। क्या बोल रहे हैं आप? छुपाए हम खुद को तो आप यहाँ क्यों आए हैं? वो अंदर वो लोग हैं, उन्हें तो बाहर निकालिए आप। जैसा दुश्मन हो वैसी चाल चलनी होती है, फिलहाल आप लोग अपने आप को छुपाइए प्लीज, चलो। ये लक्ष्मी ना एकदम यूजलेस है, वैसे तो हमेशा ऋषि ऋषि करती रहती है कि मैंने ऋषि को बचाया, मैंने ऋषि को बचाया, मैं ताने देती रहती हूँ, लेकिन आज आज जब उसको बचाने का टाइम आया तो गायब हो गई मैडम। मेरा मन तो करे ना मैं खुद इसका मर्डर कर दूँ। कुछ प्यार व्यार नहीं करती है इससे, सिर्फ दिखावा है, नाटक करती है बेवकूफ और कहेंगी। आप आप मुझे ऐसे क्यों लेके आए? मैं कितना डर के थी, मुझे लगा कोई टेररिस्ट है। आप क्यों? मैं इसका फॉरेन मैन, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऋषि को बचाने के लिए जा रही हूँ। अरे मैं तुम बचाओगी ऋषि को? क्यों नहीं बचा सकती मैं ऋषि को? देखा ना मैंने भी, कैसे बचाओगी तुम उसे? जरा सा पकड़ा ही था, तुम्हारी सांसें रुक गई थी, तुम्हें लगा कोई टेररिस्ट है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।